कैसे हो दोस्तों? आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कि आप प्रोग्रामिंग कैसे सीख सकते हैं। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे एक नई क्लासेस कि हम प्रोग्रामिंग तो सीखेंगे साथ साथ जावा जावा के थ्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मीडियम से। इस चैनल के थ्रू और इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये समझ में आ जाएंगे कि हम लोग प्रोग्रामिंग में ऐसा बेस कैसे बना सकते हैं कि कोई प्रोग्राम को कैसे सॉल्व कर किया जाता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, हमें कैसे कैसे क्या चीज़ का मतलब होता है। तो हम एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हम अपने प्रोग्राम्स को यहाँ पर रन वन करेंगे, आपको दिखाएंगे या बोलते हैं कि चल कैसे रहा है प्रोग्राम्स, एग्जीक्यूट कैसे करता है, हर एक चीज़ एक एक सिंटैक्स के बारे में बताया जाएगा आपको यहाँ पर। और साथ ही साथ हम बता रहे हैं, जैसे कि अभी मैं आपको प्रोग्राम बताने वाला हूँ सब, जो वो एक ब्लूजे करके एक सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू रन होता है। ये ब्लूजे सॉफ्टवेयर है, इस पे हम वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम के साथ, छोटे से प्रोग्राम के साथ। आज का लेक्चर वो है इवन नंबर। चेक करते हैं कि इवन नंबर कैसे चेक किया जाता है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो सबसे पहले इसकी आप एक क्लास बना दीजिए। जैसे आपने देखा एक पैकेज बनाना, एक क्लास बनाना पड़ता है यहाँ पर दबा के। दबाने के बाद उसका नाम ले सकते हैं। नाम लेने के बाद आपको ये ऐसा कुछ विंडो दिखेगा। आप ये सब को सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्रामिंग लिखने के बाद। तो यहाँ पर आप हमारे पास ऑप्शन लिखने हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं लिखने के लिए। पहला, हम लोग कोई भी अगर यूज़र इनपुट नहीं लेना है तो हम कोई भी प्रोग्राम को स्टार्टिंग करते हैं क्लास के साथ, क्लास इवन। फिर एक मेन फंक्शन होता है वॉइड मेन। अब हम अब जैसा ये कर्ली ब्रेसेस है तो इसका नियम ये है, प्रोग्राम्स के नियम ये होते हैं कि अगर कोई भी कर्ली ब्रेसेस खुलते हैं उस कर्ली ब्रेसेस को हमें बंद करना पड़ता है। जैसे कि हमने दो कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हैं। ये मुझे की अच्छी बात ये है कि हमको कलर से डिनोट कर देता है, जिसके कारण हमको समझ में आ जाता है कौन सा कर्ली ब्रेसेस खुला हुआ है और कौन सा कर्ली ब्रेसेस बंद हुआ है। तो सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस को हम बंद कर देते हैं। एक जैसे मेन का बंद हो गया, एंड सेकेंड आता है ये क्लास, आपका क्लास क्लोज हो गया। अब जैसे कि नॉर्मल फंक्शन बताऊँ, जैसे कि अब सिस्टम कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो गाइस। आप ये सिंटेक्स है कि आप कोई भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो एज इट इज़ प्रिंट होगी। अब आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये कि सिर्फ ऐसा ही प्रिंट होने का तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि कैसे हमको उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हेलो गाइस आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर कंपाइल का बटन है, कंपाइल बटन दबा सकते हैं और देखना ये प्रोग्राम क्लास कंपाइल हो गया, नो सिंटैक्स एरर यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रोग्राम को रन करने के लिए हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट क्लिक न्यू इवन। अब हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब उसको रन करेंगे। ये वॉइड मेन का ऑप्शन आया, फिर जो मेन प्रोग्राम था अपना, मेन फंक्शन जो था वो रन कर दिया, और ये रहा हेलो गाइस अपना प्रिंट ऑप्शन। अब हमको चेक करना है कि इवन नंबर जो है वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो उसको चेक करने के लिए क्या तरीका कर सकते हैं, सिंपल तरीका ये रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई इंट डिक्लेयर कर देते हैं, वैसे कोई नंबर डिक्लेयर कर देते हैं, नंबर डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर मैं इंट ए इज़ इक्वल टू 6। इंट मतलब क्या होता है, हम लोग हर एक चीज़ों को डिनोट करने के लिए हम लोग अलग अलग जावा ने अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि आप नंबर्स को डिनोट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं इंटीजर्स को। अगर हम वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं या कैरेक्टर्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए स्ट्रिंग है और एक कैरेक्टर्स है। वो आने वाले लेक्चर्स में हम देखते जाएंगे कि हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अब दूसरा आपको देखते हैं कि ये नंबर इवन है कि नहीं है। तो सिंपल तरीका क्या होता है, हम कैसे मानते हैं कि कोई नंबर इवन है कि नहीं है। अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 हो जाता है तो हम उसको इवन मानते हैं, और कोई नंबर डिविजल अगर डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो वो ऑड नंबर है। जस्ट कंडीशन ये लग जाता है। कंडीशन लगाने के लिए सिंपल तरीका है, हम एक कंडीशन चेक करने के लिए होता है, कंडीशन स्टेटमेंट चेक करने के लिए होता है। इफ़ अगर, जैसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, जैसे अगर
एक अगर, उसका सिंटेक्स ये है कि इफ, और यहाँ पर हमारे एक स्टेटमेंट लिखाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, आप जो भी लिखना चाहेंगे, आपको जो प्रोग्राम के हिसाब से आपको जो नेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स पास कर, आपको जो कंडीशंस डालने हैं वो कंडीशंस यहाँ डाल सकते हैं। उसके कारण हम अब फिर आप बताएंगे इसको करना क्या है, अगर ये तो फिर आप ये करें, अगर नहीं हुआ ये ऐसा तो दूसरा कुछ क्या करेंगे आप, ये ऑप्शन होता है अपने पास, जैसे कि ए। अब हमको ए को चेक करना है, तो ए का कहानी क्या होता है, दो बहुत से ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं इवन की ऑड है। पहला ऑप्शन ये था कि ए डिवाइडेड बाई टू अगर कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है, ए डिवाइडेड बाई टू ज़ीरो, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि देखो आप सबसे पहला तरीका होता है ए डिवाइडेड बाई टू ज़ीरो, सिक्स डिवाइडेड बाई टू को जीरो इक्वल टू ज़ीरो होगा क्या? अगर सिक्स को टू से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा मुझे? थ्री। पर यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब मैं इसके बदले एक आता है नेसेसरी ऑपरेटर्स होता है मॉड, अगर कोई भी नंबर ए का कोई भी नंबर होता है वो टू से को हम लोग उसको मॉड करते हैं, मॉड करते हैं कि ऐसा है उसको डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर बचता है, तो मॉड्यूलस फंक्शन उसका रिमाइंडर्स को बताता है। अगर उसका मॉड्यूलस ज़ीरो होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिस्टम के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इट्स इवन नंबर, इवन नंबर ठीक। अगर एल्स मैं ये बोलूं कि अगर वो उससे डिवाइड नहीं होता है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो ऑब्वियस है वो ऑड नंबर होना चाहिए? ओडीडी ठीक। अब हम उसको कंपाइल करते हैं फिर से, अब चेक करते हैं सिक्स, तो सिक्स क्या लगता है आपके हिसाब से? ये रहा सिक्स, हम चेक करते हैं। हेलो गाइस, इट्स एन इवन नंबर। अब फिर वापस चेक करते हैं हम लोग। अब एक और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि आप कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 21 को कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं। ये रहा क्लास कंपाइल हो गया हमारा। अब फिर से चेक करते हैं कि 21 जो नंबर है वो इवन है कि ऑड है। अब ये प्रोग्राम बताएगा आपको 21 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अब चेक करते हैं, इट्स एन ऑड नंबर। तो ऐसा होता है। अब हम लोग ये आज का बेसिक इतना ही था, ये छोटे वीडियो को हम लोग छोटा रखेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे और चेक कर बताते जाएंगे कि हम लोग बेसिक कैसे डेवलप कर सकते हैं और आप लोग जावा कैसे लर्न कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग दिस और वॉचिंग दिस। डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।